दोस्तों, आज मैं आपको 6x3 के साइज में ड्रेसिंग टेबल दिखाने वाला हूँ और साथ ही मैं आपको बताऊंगा इसमें हमने कितना मटेरियल में ये तैयार हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके साइज के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि ये 6x3 की है तो इसकी हमने गहराई 12 इंची ली है, और ये जो हमने गिलास वाला मिरर गिलास वाला जो साइज रखा है कैबिनेट का डोर का, ये हमने 21 इंची रखा है। और इसके बराबर में ये जो कैबिनेट है जिसमें एक दराज और एक दरवाजा है, ये हाइट में 30 इंची है। और इसके बाद ये यहाँ पर हमने ओपन कैबिनेट रखा है, ये यहाँ से 39 इंची के हाइट में है और चौड़ाई में 12x12 इंची के हैं दोनों। ये यहाँ पर ये दोनों तीनों खाने हमने बराबर साइज में कर दिए हैं। अब मैं इन्हें आपको अंदर से खोल कर दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा नीचे वाला बॉक्स है उसको हमने 15 इंची के साइज में रखा है, उसके बाद ये वाला बॉक्स हमने 12 इंची के साइज में रखा है, उसके बाद ये 11 इंची के साइज में, उसके बाद ये 10 इंची के साइज में, और ये यहाँ पर 17 इंची के स्पेस में हमने 3 चूड़ियों के पाइप लगाए हैं। तो ये तो हमारा मिरर वाला कैबिनेट बॉक्स का हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो ये कैबिनेट है इसमें हमने एक बीच में सेल्फ दिया है, और इस कैबिनेट में हमने लॉक भी लगाया है, और इससे ऊपर हमने ये यहाँ पर एक 5 इंच की दराज बनाई है। और इसके बाद में ये ओपन कैबिनेट है, और यहाँ पर हमने 2 सॉकेट दिए हैं। यहाँ पर आप जैसे कि हेयर के लिए कुछ भी मतलब यूज कर सकते हो, चार्जर वगैरह। और इसके ऊपर जो हमने ये मिरर लगाया है, ये 5 mm का मिरर है। इसके दरवाजे के साइड में हमने 2-2 इंची का बॉर्डर छोड़ा है, और इसको हमने सिलिकॉन से चिपकाया है, और सिलिकॉन भी मैं आपको दिखा दूंगा कौन सी वाली है। और यहाँ पर ये 8 इंची का हैंडल है, और इन दोनों में हमने 6-6 इंची के हैंडल लगे हैं। तो दोस्तों, अब इसकी बात करते हैं मटेरियल की। देखिए, 6x3 की प्लाई तो इसके हमने बैक साइड में लगाई है, और 2 6x4 के बोर्ड हैं जो ये पूरे कैबिनेट में लगे हैं, और एक इसमें हमारी लैमिनेट लगी है। लैमिनेट 8x4 की आती है 0.8 की। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसे चारों साइड से दिखा देता हूँ एक बार नज़दीक से ला के। पहले मैं आपको गिलास वाला कैबिनेट का बॉक्स अंदर से दिखाता हूँ नज़दीक से। इसके अंदर हमने ब्राउन प्राइमर करा हुआ है, ये यहाँ पर देखे पूरा पक्का रंग हो जाता है, बिल्कुल भी कितना भी रब करने पे छूटेगा नहीं। और यहाँ पर ये छोटा कैबिनेट है, सभी दराज और दरवाजों की टक्कर पर हमने टेप लगाई है। और यहाँ पर जैसे कि देखिए, इधर से दिखाओ, जैसे कि हमने इस दराज पे कलर कराया तो हमने इसकी चैनल खोल ली थी दोनों, तब हमने कलर कराया। अगर चैनल लगा के कलर करते हैं तो चैनल सारी सन जाती है और इसमें कलर भर जाता है। और ये जो इसके ऊपर लैमिनेट लगा हुआ है, ये हाई ग्लोस का लैमिनेट है। और यहाँ पर ये नीचे 2 सॉकेट हैं, इन्हें आप देखिए नज़दीक से। और इसके हमने बैक साइड में एक बॉक्स बना दिया है, यहाँ पर देखिए इसका बॉक्स बना दिया, और वो आगे से खुल के यहाँ से वायर निकल जाएगी उनमें कनेक्शन होकर। और इसके बैक साइड में भी हमने ये प्राइमर करा है, इसको आप कितना भी रब करेंगे छूटेगा नहीं। अभी इसका जैसे कि कलर ब्राउन है तो थोड़ी क्लियरिटी कम नज़र आएगी, अगर ये बाहर सनलाइट में होती तो ये बहुत इसकी क्लियरिटी अच्छी नज़र आती। देखिए, ये मकोए सुडोल नाम से सिलिकॉन आती है, और इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाई ACP मिरर, ये स्पेशल मिरर के लिए होती है। और इसको 10 मिनट आप लगा के छोड़ देंगे, 10-15 मिनट तो शीशा बिल्कुल सटीक हो जाता है। इसका जो आपको लेनी है सुपर बॉन्ड SB लिखा होता है इस पे। देखिए, यहाँ पर ये मिरर भी दिया गया है कि ये स्पेशल मिरर के लिए है। और दोस्तों, जो हमने इसमें डोर में कब्जा लगाया है
वो लॉन्ग लेंथ का कब्जा लगाया है, क्योंकि ये 1.25 इंची का डोर है तो ये काफी मजबूत हो जाता है, इसमें काफी सारे पेच लग जाते हैं, ये कभी भी लटकेगा या हिलेगा नहीं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लाता रहूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले।